हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनवी के टिप्स। मैं हूं रेखा। दोस्तों सबसे पहले तो आई एम सॉरी टू से, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैं बहुत कम वीडियोस डाल पा रही हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप सभी को जैसे कि पता है कि मेरा अपना पार्लर है और अभी वेडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है और मुझे बहुत सारा अभी काम आ रहा है, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रही हूं कि आप लोगों के लिए एक आध वीडियो बना पाऊं। बट डोंट वरी, मैं आगे से पूरा टाइम मैनेज करूंगी और कोशिश करूंगी कि डेली का एक वीडियोस आप लोगों के लिए तो ज़रूर बनाऊं। तो सबसे पहले आज की वीडियो की हम बात करते हैं कि आज का जो टॉपिक है, आज की वीडियो के टॉपिक में हम बात करेंगे स्किन रिलेटेड, और बहुत ही अच्छा एक DIY विंटर क्रीम मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो कि आपकी विंटर सीजन में जो महंगी क्रीम है बाजार की आपको लाकर लगानी पड़ती है, उससे निजात पाएंगे आप। क्योंकि ये जो क्रीम मैं बताने वाली हूँ वो स्पेशली विंटर क्रीम है। अगर आपकी इस विंटर सीजन में ठंड की वजह से आपकी स्किन खराब हो रही है, डल हो गई है, डार्कनेस आ गई है, आपका फेस एकदम फेयरनेस खो चुका है, तो ये क्रीम मैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। मैं ज़रूर आज आपको इसकी रेमेडी बताऊंगी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ में बताऊंगी, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये सारे इंग्रेडिएंट आपको घर पर ही मिल जाएंगे, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, बढ़ते हैं हम इस रेमेडी की तरफ और मैं आपको बताती हूँ छोटा सा DIY विंटर क्रीम का। इस क्रीम को बनाने के लिए यहाँ पर हमें लेना है ऑरेंज जेल। यहाँ पर आप कोई सा भी जेल ले सकते हैं, अगर पपाया को हो तो और भी अच्छा है, बट यहाँ पर मैं ऑरेंज जेल ले रही हूँ क्योंकि ऑरेंज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपके स्किन में जो विटामिन सी की जो कमी है उसको ये पूरी करता है एंड आपकी जो डार्कनेस है उसको भी दूर करता है। तो ये एलोवेरा जेल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, स्किन सीक्रेट का ऑरेंज जेल है और इसको लेना है 1 स्पून। तो यहाँ पर मैं इस क्रीम को बनाने के लिए 1 स्पून ऑरेंज जेल यूज़ कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है हमारा एलोवेरा जेल, वो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। यहाँ पर मैं पतंजलि का यूज़ कर रही हूँ, इसको भी हमें 1 टेबल स्पून ही लेना है। तो ये हमने एलोवेरा जेल भी 1 स्पून ऐड कर लिया। एंड जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है ग्रिसलिन। ग्रिसलिन तो हमें विंटर में ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है और सबसे बड़ी बात कि इसमें ग्लाइकोलिक एसिड होता है, तो हमारी स्किन के जो डार्कनेस है वो भी कम हो जाती है इससे, और कई सारे बेनिफिट्स है ग्रिसलिन के आपके स्किन टोन को इवन बनाने में। तो 1 चम्मच हमें लेना है ग्रिसलिन। और नेक्स्ट इसके बाद में जो हमें इंग्रेडिएंट मिक्स करना है वो लेना है विटामिन ई ऑयल। अगर विटामिन ई में अगर आपको बादाम रोगन मिल जाता है तो वो आप यूज़ कीजिए, नहीं तो विटामिन ई ऑयल के कितने सारे बेनिफिट्स हैं ये मैं कई सारी वीडियोस में आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो इसका हमें सिर्फ एक ही कैप्सूल यूज़ करना है, तो इसको कुछ नहीं, एक पिन से पिंच करना होता है और इसका सारा ऑयल आप इसमें निकाल लीजिए और इसको काफ़ी अच्छे से मिक्स करना है। और मैं अपनी रेमेडी में जो भी DIY आपको बताती हूँ वो वही बताती हूँ जिसके 100% रिजल्ट होते हैं, टेस्टेड होता है, पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद ही ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, विदाउट रिसर्च में नहीं बताती हूँ। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं इसके, और बाजार की जो महंगी क्रीम हम ला के लगाते हैं उससे काफ़ी अच्छी क्रीम है ये हमारी, क्योंकि इसमें जो इन्ग्रीडियंट हमने जो मिलाए हैं वो काफ़ी आयुर्वेदिक हैं, हमारे होम के ही हैं, कोई बाहर से हमने कुछ भी नहीं लिया है इसमें, और बहुत सारे गुण हैं इन सब चीज़ों में। जो ऑरेंज जेल है वो भी बहुत सारे गुण लिए हुआ, जैसे कि हम ऑरेंज का कोई फेस पैक यूज़ करते हैं तो ऑरेंज पील पाउडर यूज़ करते हैं, तो विंटर में वो पाउडर यूज़ ना करके अगर ये जेल फॉर्म में हमें कुछ अच्छा मिल रहा है तो हम उसे क्यों ना यूज़ करें। और इसको बहुत अच्छे से इसको फेंटना है आपको, और आप देखिए कितनी अच्छा एक क्रीमी टेक्सचर हो गया इसका, इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए कितनी अच्छी है, क्रीम फॉर्म में तैयार हो गया है ये। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि ये बहुत थिक लग रहा है आपके हिसाब से, तो आप इसमें थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप का रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, विटामिन ई की जगह अगर आपको ऑयल नहीं मिलता है तो आप बादाम रोगन या फिर कोकोनट ऑयल, जो प्योर वाला जो वर्जन कोकोनट ऑयल आता है, आप उसको ऐड कीजिए। बट कोई भी आप ऑयल मिक्स करते हैं वो स्किन वाला होना चाहिए। अभी हमारा क्रीम रेडी है और इसको हम किसी भी कंटेनर में भर लेंगे, तो मेरे पास में यहाँ पर एक प्लास्टिक का कंटेनर है, मैं इसमें इसको भर के रख लूँगी। एंड इसको मैं अपने फेस पर भी आपको ट्राई करके बताऊँगी, इसको मैं लगा कर आपको दिखाऊँगी कि ये कितना अच्छा है।
और काफ़ी अच्छे स्मूथ आपके हाथ पैर हो जाते हैं। आप अपने हाथों पे भी यूज़ कर सकते हैं, बॉडी में कहीं ड्राइनेस है तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, नहाने के बाद भी आप यूज़ कर सकते हैं, रात को सोने से पहले भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्रीम है ये, और ये DIY हमारा विंटर क्रीम तैयार हो गया, जो कि बहुत ही कम खर्चे में तैयार हुआ है और बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं इसके। हाथ वगैरह में भी आप यूज़ कीजिए, फेस में भी यूज़ कीजिए। तो दोस्तों, ये जो छोटी सी डिब्बी है ये आपके लिए जादू की डिब्बी होने वाली है। बहुत ही ब्यूटीफुल और यूज़फुल रेमेडी है ये। आप इस क्रीम का टेक्सचर देखो कितना अच्छा, एकदम बाजार की महंगी क्रीम जैसा टेक्सचर है, एंड जो रिजल्ट है वो बाजार की महंगी क्रीम से ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी बेनिफिट्स हैं इसके आपको, और सबसे बड़ी बात कि कोई भी ऐसा केमिकल यूज़ नहीं किया गया है, आपने अपने हाथों से इसको बनाना है, और इस पर आप ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं क्योंकि आप अपने फेस के लिए इसे रेडी कर रहे हैं। जिसके अलावा आप अपने हाथ पैर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ मॉइस्चराइजर। रात में आप इसे यूज़ करें, पूरी रात लगाकर सोए, नहाने के बाद आप दिन में भी डे क्रीम पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं क्योंकि इंग्रेडिएंट जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। एलोवेरा जेल हमारा जो ऑरेंज जेल है, इसके अलावा ऑरेंज जेल अगर आपको नहीं मिलता है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको इसकी जगह पपाया जेल यूज़ कर सकते हैं। जेल तो बहुत ही ईजी मिल जाता है, किसी भी शॉप पर आपको मिल जाता है या ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, और इसके सारे इंग्रेडिएंट आपके बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं और बहुत ही सस्ते हैं। बिल्कुल भी कोई भी महंगी रेमेडी मैं अपने वीडियोस में आपको कभी भी नहीं बताती हूँ, एंड जो इसका रिजल्ट है वो अमेजिंग है। आप इसको 2-3 महीने यूज़ कीजिए, आपके जो स्किन के जो फेस पर जो पिगमेंटेशन के मार्क्स हैं, जो डार्क सर्कल हैं आपके आईज के आजू बाजू में, वो सब रिमूव हो जाएंगे। एंड बहुत ही अच्छा टेक्सचर है इसका, और जो फ्रेग्रेंस है इसकी ऑरेंज की वो एकदम कमाल की है। आपके जो फेस है काफ़ी अच्छा ग्लोइंग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा मतलब लगेगा कि आप अभी फेशियल करा कर आए हो, इतना ग्लो आपके फेस पर पाएंगे आप इसको यूज़ करने के बाद में। तो काफ़ी अच्छी विंटर क्रीम है ये, आप ज़रूर बनाकर देखिए। और रिंकल फ्री स्किन हो जाएगी, अगर आपके चेहरे पर ड्राइनेस की वजह से रिंकल्स आ गए हैं, फाइन लाइन्स आ गई है, तो ज़रूर आपकी वो ठीक हो जाएगी। लेकिन इसको लगाकर ऐसे ही नहीं छोड़ना है, आपने जैसे ये थोड़ी सी क्रीम ली तो इसको आप लगाकर थोड़ी देर अपनी स्किन पर सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए। मसाज ऐसे कीजिए कि आपके स्किन में ये अंदर तक बिल्कुल पेनिट्रेट हो और इसका बेनिफिट आपके स्किन में अंदर तक आपको मिल सके। तो आपको इस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, लगाने का तरीका भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से आपको लगाना है। कोई भी क्रीम या जेल जब भी हम लगाते हैं तो थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगाते हैं, और ऐसे ही आपको लगाना है। जब ये अच्छी तरीके से पेनिट्रेट हो जाएगा, मैं बता रही हूँ एक ही हफ्ते में आपको अपनी स्किन पे काफ़ी अच्छा ग्लो दिखने लग जाएगा, आपके जो दाग धब्बे हैं वो रिमूव हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी खूबसूरत स्किन लगेगी आपको, अपना चेहरा बहुत प्यारा सा लगने लग जाएगा। तो ज़रूर एक बार इसे ट्राई करिए और मेरे साथ इसके रिजल्ट शेयर कीजिए कि रेमेडी आपको कैसी लगी, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे और भी लोगों को बेनिफिट्स इस वीडियो का मिल सकेगा। और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट अनवी के टिप्स में भी जाकर मुझे फॉलो कीजिए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।